हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इलेक्ट्रिशियन पॉइंट में। आज मैं आपको लीलैंड की 3718 है, 14 चक्की की गाड़ी है, BS4 है, उसकी रिले और फीडबॉक्स की जानकारी दे रहा हूँ। बाकी वायरिंग तो कंप्लीट है, लेकिन इसके बारे में बाद में बताऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले आप इसकी जानकारी समझ लें, मैं क्या दे रहा हूँ रिले के बारे में समझ लें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा, ये जो बड़े रिले 4 दिया हुआ है कंपनी ने दिया, ये 2 और ये 2। तो इसमें पहला रिले इग्निशन का होता है राइट साइड से, दूसरा स्टार्टर का रिले होता है, तीसरा आपका ब्लोवर का होता है, चौथा ACC का होता है। यहाँ पर ये जो रिले देख रहे हैं, ये जो रिले सबसे ऊपर में दिख रहा है आपको, ये आपको ABS का रिले है। अच्छा, ये दो रिले साइड से जो देख रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर, ये हेडलैम्प हाई बीम का रिले है, दूसरा हेडलैम्प लो बीम का रिले है। उसके बाद तीसरा रिले जो दूसरा लाइन में पहला रिले, ये पार्किंग का रिले है, उसके नीचे वाला हॉर्न का रिले है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए, ये वाइफर का रिले है ब्राउन कलर का, उसका नीचे इसका फोग लैंप का रिले है। अच्छा, ये एक्स ब्रेक का रिले है छोटा वाला। तो ये 4 और 3 7 1 8 रिले छोटा वाला आप समझ गए, बड़ा वाला भी समझ गए। यहाँ पर एक डाइट दिया हुआ है, ये पार्किंग प्रोटेक्शन का डाइट है, ठीक है। ये जो डाइट है ना पार्किंग प्रोटेक्शन का, आप यहाँ से आ जाए सीरियल नंबर से, ठीक है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, 5 लाइन में सबसे पहला नंबर का जो फ्यूज होता है ना, ये हेडलाइट हाई बीम का होता है राइट साइड का, फिर हेडलाइट हाई बीम का ये लेफ्ट साइड का, ये दोनों हेडलाइट का हाई बीम का फ्यूज है लेफ्ट राइट। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये वाइफर का फ्यूज रहेगा। चौथा नंबर का जो फ्यूज है ऊपर से, ये मीटर बोर्ड का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लिखा रहेगा। उसके बाद उसके नीचे आप अगर आते हैं तो ये कम्बी स्विच का है, ये कम्बिनेशन स्विच में जो सप्लाई जाता है ना उसका, जिससे ये नहीं कट जाने से कोई भी हेडलाइट नहीं जलेगा। उसके बाद नीचे आ जाइए, सबसे पहला नंबर नीचे में वो हॉर्न का है, फिर दूसरा नंबर में आता है, ये दोनों डिपर का है ना, लो बीम का है, ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का है। फिर तीसरा नंबर में आता है, ये इग्निशन स्विच का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूज है, अगर ये फ्यूज कट जाने से चाबी ऑन ही नहीं होगी, ठीक है। ये सप्लाई देता है यहाँ रिले को, इग्निशन रिले को, तो ये फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो 40 एम्पियर का है, ये पूरा सप्लाई फ्यूज बॉक्स को सप्लाई करता है ना, बैटरी बॉक्स से मेन फ्यूज से निकल के आता है, फ्यूज बॉक्स को सप्लाई करता है। तो ये कट जाने से कोई भी लाइन नहीं आएगी, मेन लाइन भी नहीं आएगी मीटर बोर्ड में, चाबी लाइन के पास भी करंट नहीं आएगी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इग्निशन का है जो रिले को सप्लाई देता है, और ये मेन है जो पूरी मीटर बोर्ड को, मैंने गाड़ी के अंदर की सप्लाई इसी से होती है मेन। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये स्टॉप लैंप का फ्यूज है, ब्रेकलाइट जिसको बोलते हैं पीछे के लिए। उसके बाद ये रिवर्स हाई गियर, गियर बॉक्स में जो सप्लाई जाता है उसके लिए ये फ्यूज है। तो ये तीनों समझ गए। फिर आइए तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में हमको बता देते हैं, फ्लाशर में जो बैटरी का सप्लाई जाता है ये पहला नंबर का है ना, जिससे इंडिकेटर जलता है। उसके बाद फ्लाशर इग्निशन, फ्लाशर में जो चाबी स्विच से सप्लाई जाता है वो ये 2 नंबर का है। फिर उसके बाद एक्स ब्रेक, PTO, ये सब क्या है ना, वो हाईवा में आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, डाला बॉडी में इसको कम ज़रूरत है। अच्छा, पार्किंग, पार्किंग के लिए एक अलग से फ्यूज देता है। उसके बाद ये दो जो पार्किंग का है ना, लेफ्ट का है राइट का है, ठीक है। ऊपर वाला देख लेंगे, ऊपर वाला जो पार्किंग का है वो लेफ्ट साइड का है, नीचे वाला राइट साइड का है। तो 3 लाइन गए आप, चौथा लाइन में आते हैं, चौथा लाइन में लिफ्ट एक्सल का स्विच है, जो कि डाला बॉडी में ज़रूरत नहीं पड़ता, 1 नंबर की, ठीक है। पार्किंग के लिए जो सप्लाई जाता है लोड, उसके लिए एक फ्यूज देता है, ठीक है। उसके बाद पावर सॉकेट यहाँ पर मिल जाएगा 3रा नंबर में, चौथा लाइन का 3रा नंबर है पावर सॉकेट, यानी यहाँ से आप सप्लाई लेके भीतर लाइट या कोई भी कनेक्शन बाहर निकाल सकते हैं। चौथा नंबर में आप आ जाइए, चौथा नंबर में म्यूज़िक सिस्टम देता है ना, उसके लिए एक फ्यूज दिया हुआ है, म्यूज़िक सिस्टम जो टेप उप लगाने का होता है। उसके बाद नीचे आ जाइए, ये स्विच के लिए एक ऐड ऑन लोड बैटरी से होता है या ऐड ऑन लोड इग्निशन से होता है, ये चाबी लाइन का करंट हो गया या मेन लाइन का करंट हो गया। अच्छा, पांचवा लाइन में आइए, F8B5 किसको बोलते हैं, उसमें सबसे पहले इंटीरियर लैंप का होता है, ये आपको भीतर का लाइट जो होता है ना उसके लिए होता है। अच्छा, ये एक सप्लाई है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। दूसरा नंबर में आप आ जाइए, ये 3रा नंबर का जो फ्यूज है ना, 30 एम्पियर का, ये इम्पोर्टेड है, ये स्टार्टर रिले को सप्लाई देता है मेन। 30 नंबर का जो फ्यूज है, ये स्टार्टर रिले, ये कट जाने से स्टार्ट नहीं होगा आपकी गाड़ी, ये लास्ट वाला की 4 नंबर की जो फ्यूज है 30 एम्पियर की। उसके बाद आ जाइए आप, ये 2 सप्लाई देता है, ये इग्निशन से आता है, ये बैटरी से आता है ना, इग्निशन से जो सप्लाई आता है चाबी स्विच से, ये बैटरी से सप्लाई आता है, ये सप्लाई लेने के लिए एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो अब ये 6 लाइन ख़त्म हो गया, अब ऊपर की लाइन में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो खड़ा खड़ा सब फ्यूज दिया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहला नंबर का जो फ्यूज है ना, ये आपको डायग्नोस्ट करने का जो फ्यूज होता है, जो जिससे आप लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, डिवाइस कनेक्ट करते हैं, उसके लिए सप्लाई यहाँ से जाती है।
फिर दूसरा नंबर में आ जाइए, 15 एम्पीयर की फ्यूज है, ये ईसीयू की है, बैटरी सप्लाई आती है ईसीयू की, है ना। उसके बाद आप आ जाइए, एसीसी का सप्लाई है, खैर इसकी तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आइए ईडीसी स्विच का, चाबी लाइन से जो ईडीसी में सप्लाई जाता है, जो ईडीसी का लाइट मीटर बोर्ड में बिलिंग करता है, जिसके नहीं जलने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ पर 30 एम्पीयर का जो फ्यूज है, ये ईडीसी में बैटरी सप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ईडीसी का ग्राउंड आता है, ईडीसी का अर्थिंग भी इसी से आता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें उतना ज़रूरी नहीं है फ्यूज, फिर भी ये पहला जो है ये ब्लोवर का फ्यूज है, 15 एम्पीयर का है, दूसरा लाइन में जो पांच लाइन आप देख लिए ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ब्लोवर का है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये ABS का है, और उसके बाद 5 एम्पीयर का जो फ्यूज है ये भी ABS का है, और उसके बाद जो फ्यूज है वो आपको टेलीमैटिक्स का है, उसमें बैटरी सप्लाई जाती है। उसके बाद ये दोनों है, वो लुब्रिकेंट का एक होगा, और ये लास्ट वाला रियर फॉग लैंप का होगा, यानी पीछे जो स्पॉट लाइट फॉग लैंप वर्क लैंप लगाने का कनेक्शन है, उसका फ्यूज यहाँ पर दिया हुआ। और यहाँ पर जो चार फ्यूज है लास्ट में, वो आप समझ लें, उसमें सबसे पहला होगा फ्रंट फॉग लैंप का फ्यूज है, ये दूसरा नंबर का है, ठीक है, ये फ्रंट फॉग लैंप का फ्यूज है, आगे जो स्पॉट लाइट लगानी है उसकी है। बाकी ये जो तीन फ्यूज है, ये आपको ड्राइवर का, एक फैन का होता है, एक डीसी कन्वर्टर का होता है, और एक डीसी कन्वर्टर में से जो निकलता है आउटपुट उसका होता है, बस। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और ये 1, 2, 3, 4, 5 फ्यूज ये स्पेयर देता है एक्स्ट्रा, आप कहीं कटे तो आप इसको लगा सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी, ये लीलैंड 3718 की थी, फ्यूज बॉक्स और रिले की जानकारी, सभी जानकारी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में और इसकी पूरी वायरिंग के जानकारी के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।